अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सकोला 360 के साथ आपका मेहमान फारूक आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे कि आप लोगों ने देखा, आज जलसा था पीटीआई का जिना बाग में, जिना ग्राउंड में बहुत ही बड़ा जलसा था। लाखों की तादाद में आवाम ने शिरकत की, पीटीआई के चाहने वालों ने शिरकत की। तो यहाँ पे जलसा खत्म होने के बाद हमारे पास एक पीटीआई की फैमिली मौजूद है, इनसे रिव्यू लेते हैं पीटीआई के जलसे के मुताबिक, इसके अलावा इमरान खान की कारकर्दगी के मुताबिक पूछते हैं। अस्सलाम, हमें आप लोग बताएं कि इमरान खान ने हुकूमत की है चार साल में इमरान खान हुकूमत के अंदर रह के कारकर्दगी नहीं दिखा सका, उसके बाद आप क्या फायदा कर रहे हैं इमरान खान? मैं इस बात का सिर्फ एक ही जवाब है कि जो बाकी चोर लुटेरे डाकू जो इतने सालों लूट के गए, इमरान खान चार साल क्या मजीद अभी और कई साल लगेंगे इस सारे गंद को साफ करने में। जब टीम ही नहीं बना सका, वो 22 साल तक जब जद्दोजहद करता रहा, वो टीम ही नहीं बना सका, तो उसने क्या करना है अब आगे जाके, उसने क्या करना है? टीम बनाने के लिए वही बात है कि लोग वही हैं उसके पास जो बाकी पार्टियों में रह चुके हैं, लेकिन अब खान साहब जो है वो देख चुके हैं, खान साहब ने सीखा है इस बात का, और जो सारे लूटे थे वो जा चुके हैं टीम से। अब इंशाल्लाह खान साहब आएंगे तो इंशाल्लाह फुल जोश और नई टीम के साथ आएंगे और फुल जोश के साथ आएंगे। और टीम का जवाब मैं दे रहा हूं, हमें मालूम है, आवाम भी जानती है कि आवामी लीडर जो होता है ना उसको आगे नहीं जाने देते। जब आवाम साथ चलती है ना तो उसको कुचल दिया जाता है और लीडर को कुचल दिया, जैसे आप लोग के सामने मिसाल है कि भुट्टू के बाद में वजीर साहब है शहीद, उनको कुचल दिया। अब इमरान खान जो है आवाम में मकबूल हो रहा है, आवाम नौजवान खासकर नौजवान आवाम जो है इमरान खान को चाहते थे और वोट तैयार हो रहा था पहले की नस्बत इमरान खान का वोट बड़ा। ये आलमी ताकत है, क्यों नहीं हमारे वोट में जो है ना अमन लाना चाहती और आवामी हुकूमत बनने दे रही? इसमें मैं अगर आपसे बात करूं जी, सबसे पहले मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि ये जो आपने बात करी मकबूलियत की जी, इंटरनेशनली आपका मुल्क के अंदर मुस्लिम लीडर तैयार हो गया था जी, दुनिया भर के अंदर इस्लामोफोबिया को बात करने वाला, अमेरिका में खड़ा होकर अमेरिका को धमकाने वाला लीडर पूरी दुनिया के अंदर दुनिया में खड़ा हो गया था। ऐसा लीडर आपका मुल्क कौम के अंदर कोई हजारों सालों में ऐसा लीडर आता है जो आपको रिप्रेजेंट करे, आपकी कौम को रिप्रेजेंट करे, जो ये कहे कि मैं किसी से नहीं डरता सिवाय अल्लाह के, तो ये वो चीज़ें हैं जो कि इंटरनेशनल लोगों को मंजूर नहीं थी। इसीलिए आपने अगर सुना कि साजिश नहीं थी, मुदाखलत थी, तो मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि साजिश में और मुदाखलत में क्या फ़र्क है जी? तो ये एक इंटरनेशनल गेम था, इंटरनेशनली रिजीम चेंज करवाई गई है पाकिस्तान के अंदर, जिसको अवाम ने रद्द कर दिया और ये समंदर उमड़ उमड़ के बता रहा है कि इस इंपोर्टेड हुकूमत को अवाम नामंजूर करती है, नामंजूर करती है, नामंजूर करती है। और इस वक्त सिर्फ आवाम की एक ख्वाहिश है कि इलेक्शन करवाए, यही खान आपको 2/3 मेजोरिटी लेके पाकिस्तान में दोबारा इंशाल्लाह पूरे लोग खड़े हैं। ये जो जितनी फैमिलीज यहाँ मौजूद हैं, किसी एक को जबरदस्ती नहीं लाया गया, लोग सुनने के लिए रमजान का टाइम है, रात के 1:30 बज रहे हैं और इस वक्त जम्मे गफीर आपको बता रही है कि लोगों के धड़कन में इमरान खान मौजूद है और हम इमरान खान के साथ हैं और हर वक्त साथ रहेंगे। इमरान खान क्या इस दफा जो इलेक्शन होंगे उनको सीटें देंगे या नहीं देंगे? निचले तबके को लोग
बनी है वो वो टीम है। मैं बात करूंगा कासिम सूरी साहब की, मैं बात करूंगा मोहम्मद अली साहब की, ये वो लोग हैं जो खान के साथ खड़े हैं और हर वक्त मरते दम तक साथ रहेंगे। शुक्रिया आप लोगों का। आपने देखा कि यहाँ पे पीटीआई की फैमिली ने अपना रिव्यू दिया और उनकी ये ख्वाहिश है कि अगली हमारी महरूमियाँ खत्म हो, हमारा मुल्क तरक्की कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।